भूत की कहानियां कैसे बनाते हैं। अगर आप काफी लंबे समय से सोच रहे हो कि हॉरर स्टोरीज कैसे बनती है, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल वास्तविक तरीका बताने वाला हूं। क्योंकि YouTube पर जो आप ये हॉरर स्टोरीज भूत की कहानियां देखते हो, चाहे वो चुड़ैल की कहानी भी हो सकती है, तो ये लेकिन बनती कैसे है। देखो, हॉरर स्टोरी हो या फिर कोई भी मोरल स्टोरी हो, फनी स्टोरी हो या फिर कोई शॉर्ट फिल्म कह लीजिए, ये जो भी वीडियोस होते हैं, ये काम किसका है? एनिमेशन का। क्योंकि YouTube पर जो आप ये वीडियोस देखते हो, जैसे मैंने फनी स्टोरी सर्च किया तो ये फनी वाले वीडियोस आ गए, अगर मैंने यहाँ पे मोरल स्टोरी सर्च किया तो मोरल स्टोरीज वाले वीडियो आ गए, और मैंने हॉरर स्टोरी सर्च किए तो यहाँ पे आप देखो ये हॉरर स्टोरीज आ रहे हैं। अधिकतर आप क्या देखते हो कि ये जो वीडियोस है ये 2D एनिमेशन में बने हुए हैं, क्योंकि 2D एनिमेशन में वीडियोस जल्दी बनाए जा सकते हैं और इसमें कॉस्टिंग भी कम आती है, और इसमें जो टाइमिंग रहती है बनाने का, जो पीरियड है, वो भी जल्दी बन जाती है, तो समय बचता है इसमें, इसलिए 2D में ज़्यादातर लोग बनाते हैं और इसमें मिलियंस में लोग देखते भी हैं। आपने काफ़ी बड़े बड़े चैनल हॉरर स्टोरीज के अंदर देखे होंगे। लेकिन अब ये बनती कैसे? देखो, ये सारा काम किसका है? एनिमेटर का काम है, 2D एनिमेटर कह लीजिए। तो जिनको आर्ट और 2D एनिमेशन आता है वही इस टाइप के वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि ये स्किल है। अब अगर आप सोचते हो कि एक नॉर्मल इंसान कोई भी ऐसे वीडियो बना सकेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा कोई शॉर्टकट ढूंढेगा या फिर AI से बनाने की कोशिश करेगा। देखो, AI से आप क्या कर सकते हो? वीडियो बना सकते हो, लेकिन वो वैसा वीडियो नहीं होगा जैसा कि लोग देखते हैं। अभी जैसे आपने सर्च किया हॉरर स्टोरी, तो सर्च में कौन से वीडियोस आए जो क्वालिटी वाले वीडियो है। अब आपने AI से कोशिश करी, वैसे वीडियोस नहीं बनते। आप खुद भी अपनी क्वालिटी को देख के हंसोगे कि आपने हॉरर स्टोरी बनाई है कि फनी वीडियो बनाई है। ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एनिमेशन की स्किल सीखनी पड़ेगी। अब देखो, एनिमेशन की स्किल की बात कर लेता हूँ मैं। जो 2D एनिमेशन होता है, इसको सीखने में 6 महीने लग जाते हैं। इसमें भी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, और आप धीरे धीरे करके और अच्छी एडवांस्ड क्वालिटी में वीडियोस बना सकते हो। मैं काफ़ी लंबे समय से एनिमेशन सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बिल्कुल फोर्स नहीं करूँगा कि आप मेरा ही कोर्स करो। आप बिल्कुल, आपको फ्रीडम है, आप जहाँ से भी सीखना चाहो सीख सकते हो। अगर मेरे से सीखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जहाँ से आप मेरी वेबसाइट पर विजिट करोगे, डेमो वीडियोस देखोगे, कोर्स पसंद आता है तो आप बाय करोगे। कोर्स में रिकॉर्डेड वीडियोस है जिसको देख के सीखना है। कंप्यूटर लैपटॉप पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, 5-6 महीने तो आपको सीखने में लग जाते हैं। फिर आप जैसी प्रैक्टिस करोगे, जैसा आपका क्रिएटिव दिमाग चलता है, वैसे आप करेक्टर्स बना लोगे। अब जिनको एनिमेशन आता है, मान लो आप मुझसे सीखे हो या फिर कहीं से भी आप 2D एनिमेशन सीख चुके हो, अब आपको हॉरर वीडियोज़ बनाने हैं, अब कैरेक्टर्स बनाने का अगर आपको समय बचाना है, तो मैंने vectorlix.com पर हॉरर कैरेक्टर्स भी दे रखे हैं जो कि काफ़ी एडवांस्ड लेवल के हैं। स्क्रीन पर आप ये फोटोज़ देख लो, वॉक साइकिल देख लो, काफ़ी एडवांस्ड कैरेक्टर्स मैंने हॉरर वाले बना रखे हैं। अगर आप ये बंडल परचेज करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, यहाँ पे आप विजिट करके हॉरर कैरेक्टर्स बाय कर सकते हो। और ये कॉपीराइट फ्री है, आप निश्चिंत हो के अपने हॉरर स्टोरीज के अंदर इन कैरेक्टर्स को यूज़ कर सकते हो, कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। और अगर आपको एनिमेशन आता है, जैसे ये अडोब एनिमेट सीसी की फाइलें हैं, .FLA फाइल मिलती है, इजी टू आप कस्टमाइज्ड कर सकते हो, यानी कि इसमें कुछ चेंजेस करना है, मॉडिफाई करना है, मूवमेंट्स चेंज करने हैं, आप खुद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लिपसिंग इंक्लूड कर रखी है, मतलब कि हॉरर वाली लिपसिंग मुश्किल होती है, वो बना के दे रखी है, वॉक साइकिल भी बना के दे रखी है, तो आप जाके बाय कर सकते हो। अब देखो, मैंने एक चीज़ तो आपको बता दी कि YouTube पे हॉरर स्टोरीज है, ऐसे आपको अगर बनानी है तो स्किल सीखनी पड़ेगी। अब किसी को स्टोरी कैसे लिखते हैं, इसमें परेशानी होती है। देखो, अक्सर क्या होते हैं कि स्टोरी राइटर काम करते हैं, क्योंकि स्टोरी राइटर जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सस्पेंस क्रिएट करते हैं स्टोरी के अंदर। लेकिन आपको वो समय बचाना है तो आप ChatGPT का इस्तेमाल करके भी हॉरर स्टोरी लिख सकते हो। अब बात करते हैं वॉइस की। हॉरर स्टोरी के अंदर वॉइस रिकॉर्ड करना, या तो आपकी वॉइस अच्छी है तो आप खुद रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि मान लो अगर आप फीमेल हो तो आप फीमेल वाली रिकॉर्ड कर पाओगे, लेकिन अगर आप मेल है तो आप मेल वाली रिकॉर्ड करोगे, फीमेल वाली में आप फंस जाओगे। तो उसके लिए फिर आप फैमिली में से क्या कर सकते हो, तो जैसे आपकी वाइफ है, सिस्टर है, तो
तो उनसे आप क्या कर सकते हो, फीमेल वॉइस रिकॉर्ड करवा सकते हो, दोनों को कंबाइन करके फिर आप अपना पूरा वॉइस ओवर बना सकते हो। अब वो भी आपसे अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको वॉइस आर्टिस्ट को हायर करना पड़ेगा। अलग अलग वॉइस आर्टिस्ट की अलग अलग प्राइजिंग होती है, 1000 रुपये से शुरू हो जाते हैं, 8-10 मिनट की ऑडियो आपको रिकॉर्ड करके देते हैं, 1000, 1500, 2000, 2500, 5000, जैसा आप वॉइस एंकर लेंगे उस हिसाब से आपको कॉस्टिंग बढ़ती हुई मिलेगी। क्योंकि अगर आपने सोचा कि कार्टून वीडियो जो टीवी पे वॉइस ओवर करते हैं आपने देखे होंगे वो वाले मंगवाने हैं तो फिर 1,00,000 रुपये भी देने पड़ेंगे। तो ये मैंने आपको मोटा मोटी सारी जानकारी दे दी है। फिर अगर आप यूट्यूब पर अपलोड करोगे तो इससे आप अर्निंग कर सकते हो। अर्निंग जैसे अलग अलग होती है, मैं आपको बेसिकली RPM का एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, 0.25 से लेके 0.40-50 तक डॉलर में बता रहा हूँ, ये 0.25 USD से लेके 0.50 USD तक अर्निंग हो जाती है। सिंपली 1,00,000 व्यूज पे आपको $40 से $50 मिल जाते हैं। तो हॉरर वाले जो चैनल होते हैं वो मोनेटाइज हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। आपको सावधानियाँ कौन सी रखनी है कि आपको उसमें खून खराबा नहीं दिखाना है, मतलब कि जो आपने वीडियो बनाया है वो 18 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए होना चाहिए, गाली गलौज नहीं होनी चाहिए, खून खराबा नहीं दिखना चाहिए, जैसे कि चाकू से किसी को मारते हुए और खून निकलते हुए नहीं दिखाना चाहिए, गर्दन अलग हो चुकी है तो खून बह रहा है ऐसा नहीं दिखाना है, जिससे कि किसी को टेंशन हो जाए या फिर मुश्किल हो जाए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो जानकारी के लिए कमेंट करके बता दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।